कैसा है? बहुत दिन हो गए, नाते मुस्तफ़ा भी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्या क्या पढ़ना चाहिए आप? दो अल्फाज, हाँ दो अल्फाज पढ़ो, फिर मैं पढ़ता, आगाज तो करो, कुछ भी पढ़ो, शूटिंग गड्डी में, हाँ पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह, एक तुम्हारे भी बड़े नात में के कोई कोई अशार, एक दो अशार कुछ याद है? कुछ भी दो अशार सुनाओ। हाँ चलो, पूरी दुनिया देख रही तुम्हारा, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ समझ, फिर भी तो सुनाओ ना, हो सके क्या हो रहा। हाँ कोई भी एक शेर सुनाओ। हाँ चलो, ज्यादा पढ़ने बाकी क्या, वो हम जाके उधर खाना दरसते बड़ी लंगर में उनको मिला के सुना तो देख दो। सही, चलो मैं सुनाता हूँ। सुना, सुना, चलो तुम दो अल्फाज सुनाओ, दो अल्फाज फिर मैं सुनाता हूँ। अरे कुछ भी सुनाओ जी, इतना क्या टाइम लगा रहे, कहीं आ जाओ कुछ भी। हाँ जो तुम्हारे को याद होंगे, तुम्हारे बचपन की जवानी की कौन सी भी सुनाओ। हाँ क्या आलम हो गया मुसलमानों का, अल्लाह अकबर। अभी अगर इनको मैं गाना गाओ बोला तो उनको गाना याद रहेगा, सब याद रहेंगे, सारे गाने सुनेंगे उन्होंने, रश के खमर कहाँ से गिरा, क्या क्या एक्स वाई जेड। मगर अल्लाह के नबी की शान में तुम खुद अपने घर में बच्चों को पूछ के देखो बोला कितनों को याद है नाता। ये इश्क है, तुमको इश्क हो जा रहा खलीस दुनिया से, और तुमको अल्लाह के नबी मोहम्मद से इश्क है, तुम शान में नाता तक पढ़ने नहीं आ रहे, तुबा करके बोलना, बहुत बहुत बोलने को अल्फाज नहीं है अल्लाह ऊपर। इस वास्ते ऐसा माहौल बनाओ कि अपने बच्चों को गाने नाच गानों के उनके बजाय उनको ये भी आना नात वात पढ़ने के लिए। सुनाओ, एक दो अल्फाज कुछ तो सुना। ऐसा हो गया किसको भी, मैं हमेशा मेरी खास बात है, मैं कोई भी नात वात कुछ भी पढ़ने से पहले मैं ये चेक करता हूँ कि किसी को आता कि नहीं आता, उनको क्या पढ़ने आता। दो अल्फाज तीन अल्फाज शर्मने की बात नहीं होती नात में, क्योंकि वो नात या मजमुआ कलाम बहुत बड़ी बात है, अल्फाज हम बयान नहीं कर सकते। चलो मैं सुनाता हूँ, सुनो। इरशाद किबरिया है ये फरमान मुस्तफा, व तइज्जु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। इरशाद किबरिया है ये फरमान मुस्तफा, व तइज्जु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। थामोल भी फरिश्तों का जन्नत में अज़ाज़ील, हुक्मे खुदा न माना तो यूं हो गया ज़लील। लानत का तौख अपने गले में पिना दिया, वतइज्जु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। इरशाद किबरिया ये फरमान मुस्तफा, व तइज्जु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए अब मर्ज़ी खुदा। जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया, व तइज्जु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। इरशाद किबरिया ये फरमान मुस्तफा, व तइज्जु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। मूसा के मुकाबिल में जब आ गया हारून, पाई सजा उर्र की मारा गया मलून। मूसा के मुकाबिल में जब आ गया हारून, पाई सजा उर्र की मारा गया मलून। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धस गया,
दो टुकड़े करो चांद तो मानूंगा मैं नबी, टुकड़े जो हुआ चांद तो खिसिया के रह गया। बताई जुमन तशा बता जिलुमन तशा, इरशाद की बिरिया है ये कुरान मुस्तफा। وتعز من تشاء وتذل من تشاء، إرشاد جبريل فرمان مصطفى. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، वो जुल्म हुआ हजरत ईसा पे हल्लामा, हंसता था दूर ही से खड़ा देख के शैतान। तब रब ने उन्हें अर्श पे जिंदा उठा लिया। वो था इज्जु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इरशाद किबरिया है ये फरमान मुस्तफा। وتعز من تشاء وتذل من تشاء، دین خدا کا جب کیا اعلان نبی نے، پتھر کسی نے مارا کلید کسی نے، ہس ہس کے پھر بھی آپ یہ دیتے رہے دعا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ارشاد کبریا ہے یہ فرمان مصطفیٰ۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ہاتھی تمام جھک گئے کعبہ کو دیکھ کر، کتنے ذلیل لوگ تھے مانے نہ وہ مگر۔ تب روئی کی طرح دھن گھٹی سب فوج اب رعا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ارشاد کبریا ہے یہ فرمان مصطفیٰ۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، गाने पिचरा कव्वालियां वो ये बहुत ना याद हो गया। ले नाता मैं हमेशा जिसको भी पूछता हूँ नात कितने याद है सुनाओ, शर्म आती है। गैरत खुद पे से देख लो तुम लोग, अगर जो भी सुन लो कितने नाता याद है तुम्हारा। और नाता पढ़ना नहीं आते, गाने याद अच्छे है। शैतान तुम आप कैसा उधर की पटरी पे ले जाता, इधर नहीं जान देता कोई मामले में। खैर इतना बोलूँगा कि अल्लाह ने जो फरमा जो बहुत सारी बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाई ली, तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, जहाँ चीज है क्या लूहू वो खलम तेरे है। इसका मतलब ये नहीं है कि लूहू और खलम का मतलब क्या है मालूम क्या, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, जहाँ चीज है क्या लूहू और खलम तेरे। अल्लाह फरमाता अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते तुम सही तरीके से, तो तुम ये दुनिया चीज है क्या जिस शही से तकदीर लिखते, जिस पेन से और जिस शही से, वो तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, लिख लो अपनी तकदीर क्या लिखना चाहते हो। ये उस शेर का मतलब, कितनी मोहब्बत है तुम्हारे लोगों को कि तुम्हारे दो नाता याद नहीं है, गाने अच्छे याद है, पिक्चरों के नए नए आ रहे तो बोलने को मेरा खैर अल्फाज नहीं है, किसी को कुछ बोलना तो अच्छी बात नहीं है, मगर हमेशा के वास्ते एक बात ये याद रखो कि एक ऐसा माहौल बनाओ घर का भी कि तुम जब तुम पढ़ेंगे तो तुम्हारे बच्चे पढ़ते, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे पूरा माहौल सबको आदत हो जाती। इस वास्ते नाता भी पढ़ना एक रूहानी सुकून, एक रूहानी कैफियत को तुम्हारा सुकून मिलता है सब सुनने से। खैर चलो और ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं। हाँ लो सुना रहे तुम लोग एक दो बाद में सुना, टोटा है मुँह में चल रो।